अबे यार पहले वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की नहर, उसके बाद फिर बिग बॉस की नहर, अब खतरों के खिलाड़ी की नहर, कितनी नखरे करेंगे। चलो अगर नखरे जो है करते हो तो उसको एक तरह से नाम दे दो ना, अगर तमाशा नहीं तो बिग बॉस डायरेक्ट दे दो, रैंडम हॉल से खरीद लो ताकि एक हमारा एक अलग सेक्शन हो जाए। वो फिर कॉपी भी नहीं बोल सकते ना, उसको बोलेंगे कि भाई ये हमारा वर्जन है, खुल के खतरों के खिलाड़ी पसंद है तो खतरों के खिलाड़ी का वर्जन खरीद लो, और फिर उसको बोलो ये हमारा वर्जन है। अब नाम डिफरेंट डिफरेंट रखें, काम वही है, तो इससे क्या होगा कि कॉपी होगा और ये फिर सस्ती कॉपी होगा, फिर मजा नहीं आएगा। लोग खैर फिर भी लोग तमाशा देख ही रहे हैं, तो अब जो है तमाशा जैसे ही खत्म होगा तो उसकी डिटेल्स मैं आपको बता दूँ कि फिर उसके बाद ये शुरू होने वाला शो जिसके होस्ट होंगे हमारे फेवरेट शोएब मलिक। शोएब मलिक की होस्टिंग पहली दफ़ा देखने को मिलेगी। बाहर बंदा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और गुस्सा भी करता है तो अच्छी बात है, पर इसमें सारे जितने भी फारिग क्रिकेटर्स हैं वो डाले हैं, फारिग इन अ सेंस के वो सीनियर हैं, पर वो क्या शोएब मलिक की बात सुन सकेंगे? जब शोएब मलिक डांटेंगे या कुछ ऐसा बोलेंगे तो वो कुछ जवाब वगैरह देंगे, तो ये भी दिलचस्प होगा देखना। खैर इसमें कामरान अकमल हैं, आजम खान, जितने भी लोग फारिग हो चुके हैं ना क्रिकेट से वो सारे देंगे, इमाद वसीम है, फिर उसके बाद जो है लड़कियों में से एक दो है, नाम ही यार याद नहीं आ रहे, भारत लड़कियां भी उन लोगों ने एक ही करीम के रखी हुई हैं, इना है और शोएब मलिक होस्टिंग कर रहे हैं। अब इनकी होस्टिंग कैसी होती है देखना है, पर यार नखल अगर करनी है तो पूरा जो है ना उसका सेगमेंट मान लो। अब कल कला को यार भाई अपना नाम रंग रख ले, कैसा लगेगा? कलर्स के पास जो कलर्स के बाद बिग बॉस खत्म होता है तो खतरों के खिलाड़ी बिल्कुल से बात शुरू होता है। यहाँ पे ये किया है कि बिग बॉस खत्म होगा तो खतरों के खिलाड़ी फौरी शुरू हो जाएगा पाकिस्तानी वर्जन जो है, तो अब ये देखना है कि ये वर्जन कैसा दिखाता है, क्या होता है। तमाशा तो अच्छा ही है पर ये भी कैसा करता है ये वाला वर्ग है। बाहर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना, आधे से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो ये तो कॉपी है, क्यों कॉपी करते हो अपना देखो। आधे से ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि यार हमने चलो एक कदम तो बढ़ाया किसी चीज़ का, पर कदम बढ़ाने से फिर वही मैं बोलूँगा कि अगर आपको वही काम करना है तो वही नाम यूज़ करो। जैसे जो उनकी कंपनी है बिग बॉस जो स्पॉन्सर करते हैं उनसे बात करके बिग बॉस का नाम ले लो और बिग बॉस को डाल दो तो पाकिस्तानी वर्जन बिग बॉस हो जाएगा। ये मैं इस चीज़ की हिमायत करूंगा क्योंकि आप करेक्ट वो वाला वर्जन उठा के लाए ना। अब अगर आप दूसरे नाम से यूज करोगे फिर तो लोग नहीं देते। अभी अगर आप बिग बॉस तमाशा नाम रखते तो 100% शोज बिग बॉस पाकिस्तान के नाम से मशहूर होता और ऐसे ही होना चाहिए जैसे बिग बॉस इंडिया का वैसे पाकिस्तान का भी होना चाहिए। इस तरह खतरों के खिलाड़ी इंडिया का पाकिस्तान का खतरों के खिलाड़ी होना चाहिए। नाम का मसला है, अगर नाम का मसला नहीं होता तो जरूर इसको मैं और ज्यादा सपोर्ट करूँ। नाम वही रखा हुआ है और दर्शन छोटे किए हैं तो ये सारी जो है ना मस्त मसाइल हो रहे हैं पूरे उसमें ना। ये तो देखने वाला होगा कि क्या हुआ। बहरहाल ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो है और क्या क्या डिफरेंस लगा, डिफरेंस ये है कि अब देखना ये क्रिटिसिज्म लोग ना करें ज्यादा। देखो यहाँ पसंद करो नाम का बस मसला है, बाकी तो सारी चीजें मुझे तो ओके लग रही है। अब वो देखते हैं कि काम कैसे होता है, क्या वैसे होगा मगरमच्छ पकड़ने होंगे या क्या करने पड़ेंगे, भागना होगा या कुछ थोड़ा बहुत कच्चा होगा क्योंकि आजम खान के तो भागना, चलो भाग जाएंगे वो भी भागेंगे सीधे जैसे आज जिम कर रहे हैं वो तो प्रोमो में जैसे आप देख रहे हैं मैं नाम वगैरह के साथ दिखा रहा हूँ ये शॉपिंग वगैरह, तो अब ये देख रहे हैं कि कैसा कामयाब होता है। बहरहाल दोस्तों इन लोगों ने तमाशा के साथ भी ऐसा किया था कि तमाशा जो है अच्छा गया पर अगर उसका बिग बॉस का लेबल होता बहुत बेस्ट जाता और बिग बॉस को रखते आवाज़ में वो भी बेस्ट जाता, पर रखा ही इन लोगों ने। फिर उसके बाद अभी खतरों के खिलाड़ी में शोएब मलिक है, रोहित शेट्टी और अपना परसों है, यहाँ पे शोएब मलिक है, शोएब मलिक को भी बनानी पड़ेगी अपनी मैच। आप लोगों को क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग इस बात पे खुश हैं कि चलो यार खतरों कुछ कुछ इनिशिएटिव तो लिया। आप बोलते हैं यार ये तो बेकार लग रहा है शो, आपका जो सारा शो आपका हमारा चैनल है, लाइक सब्सक्राइब भी करें यहाँ से और मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। ठीक है, बाय।